हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं देखिए बना रही हूँ, आज मुझे थोड़ा कन्या खिलानी है। तो मैं यहाँ पे देखिए भगोने में जो है गैस पर कड़ा यहाँ पे खीर बन रही है, और साथ में थोड़ा सा आटा गूंथ रही हूँ, थोड़ी पूरी बनाऊंगी। और जलेबी ले आए हैं, लड्डू वगैरह ले आए हैं, वो प्रसाद चढ़ा दिया है भगवान को। और अभी खीर पूड़ी बन रहा है, तो खीर पूड़ी का प्रसाद अभी मुझे चढ़ाना है। और मंदिर में मैंने जलेबी लड्डू वगैरह जो है वो चढ़वा दिए हैं, क्योंकि पूर्णिमा है। और पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, उस दिन हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे कन्या वन्या खिलाते हैं। और वैसे भी आषाढ़ के महीने में बहुत सारे लोगों को कन्या खिला चुके हैं, लेकिन मैंने नहीं खिलाई थी। तो मैं आज पूर्णिमा है, तो मैंने कहा चलो आज मैं कन्या खिला देती हूँ। तो मैं सिर्फ खीर और पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मीठा ही खिलाना है, कन्याओं को मीठा खिलाया जाता है। वैसे तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि रहने दो, तबीयत खराब है, तो सिर्फ जलेबी और मतलब दही जलेबी या दूध जलेबी, इसकी मादो जलेबी आ गई है मार्केट से, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूँगी, ऐसा नहीं है। सब मैंने फिर खीर बना ली है और पूड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि एक अपने हाथ से बना के जो कन्याओं को खिलाते हैं ना, उसकी बात ही अलग हो जाती है। मार्केट से कितना भी हम कुछ भी लेकर आ जाएँ, बट अपने हाथ से बना के खिलाने में अलग ही अच्छा होता है। मतलब हाथ से खिलाने, खुद से बना के खिलाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ियाँ बन रही है, खीर तो बनी गई है, और उसके बाद जो है मुझे कन्या खिलाऊंगी, और फिर बाद में जो है सब्जी वगैरह बनाऊंगी। तो मटर पनीर की सब्जी बनानी है, क्योंकि पनीर लेकर आए हैं। और ये भैया देखिए किचन में आए थे, कुछ लेना था, क्योंकि समोसे वगैरह भी लेकर आए थे, ये जलेबी समोसे। तो मैं तो कन्या वन्या खिलाने के बाद ही कुछ खाऊंगी, लेकिन इन लोगों को भूख लगाई थी भैया, और इन्होंने नाश्ता कर लिया था, समोसे लाए थे, तो समोसे वगैरह खा रहे थे ये लोग। तो ये देखिए मैंने खीर पूड़ी बनाने के बाद यहाँ पे मैं जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मुझे पूजा करना है, जब तक ये कन्या वगैरह बिठाएंगे वहाँ पे बाहर से लेकर आती है कन्या, जब तक मैं, तो जब तक कन्या आएंगी तब तक मेरी पूजा हो जाएगी, हवन वगैरह हो जाएगी, आरती वारती सब। और ये स्माइली भी आ गई है पूजा में, और इसको यहाँ पे ना पूजा करवाने में और फैलाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए मैंने हवन कर दिया है, और यहाँ पे मेरी देखिए आरती भी हो गई है, और बस उसके बाद ये देखिए ये सारी कन्याएं जो है वो आ गई हैं, और सबको मैं यहाँ पे देखिए टीका लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं खाना जो मैंने बनाया है वो लेकर के आऊँगी। और गांव में कन्या सब टिफ़िन लेकर के आती है, एक मतलब टिफ़िन कटोरी होती है वो, क्योंकि यहाँ पे पता है मीठा ज़्यादा खिलाते हैं गाँव में, खीर पूड़ी ही ज़्यादातर सब खिलाते हैं। लेकिन जैसे मैं नवरात्रि वगैरह में खिलाती हूँ, इस बार तो मैंने नहीं खिलाई यहाँ पे, कोरोना की वजह से ही मना कर दिया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना मतलब फैला हुआ था गांव में भी, सब जगह था, तो नवरात्रि में नहीं खिलाई थी। वरना मैं नवरात्रि में मैं तो सब्जी खिला देती हूँ यहाँ पे, वैसे लोग खिलाते नहीं है गांव में सब्जी, ये सब नहीं खिलाते, लेकिन मैं चने हलवा पूड़ी सब्जी ये सब बनाती हूँ नवरात्रि में। तो लेकिन गांव में कन्या ना सिर्फ कटोरी ही लेकर के आती हैं, प्लेट, जैसे हम लोग शहरों में क्या है प्लेट वगैरह में खिलाते हैं ना, प्लेट या डिस्पोजल मंगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्याएं खुद ही अपनी कटोरियाँ लेकर के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे मीठा ही खिलाते हैं, या तो बूंदी या जलेबी या खीर पूड़ी ऐसा कुछ बना के खिलाया जाता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने भी फिर खीर पूड़ी ही बनाई है। और पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन खीर ही ज़्यादातर बनाई जाती है कन्याओं के लिए। और बाहर से देखिए जलेबी भी आ गई हैं, तो मार्केट से जलेबी आ गई हैं, खीर बनाई है, वही मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ सबको। और स्माइली जो है गुस्सा होके चली गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब उसको पता है कि घर में कन्याएं आई हैं, तो बहुत ज़्यादा नखड़े हो जाते हैं उसके, पता नहीं कितना शैतान कर रही है, और डांट दिया थोड़ा सा तो रो रही है वो बहुत ज़्यादा।
और आप लोगों ने वीडियो में थोड़ा सा देखा ही होगा कि स्माइली कितना परेशान कर रही थी, मेरी साड़ी वाड़ी खींच रही है और चिप्स दे रही है कन्याओं को, चिप्स भी सर्व करो बताओ, नमक खिलाना भी नहीं है और चिप्स खिलाने जा रही है कन्याओं को। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी कन्याओं ने सबने खा लिया है, इनके मैं पैर वैर छू रही हूँ। और वैसे मैंने स्माइली से भी काफ़ी चीज़ें जो है मतलब दिलवाई थी, प्रसाद नारियल वगैरह, और ये स्माइली ने ही दिया है, टीका भी सबको दोबारा लगाया फिर स्माइली ने, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब खुद ही कर रही हो, मुझे भी करने दो। तो उससे भी मैंने करवाया है लेकिन वीडियो में नहीं आ पाया है क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जो है टूट गया है और मुझे फ़ोन जो है किसी को देना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्रॉपर तरीके से सारा कुछ नहीं इसमें आ पाया है। थोड़े थोड़े से क्लिप्स ही लिए हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मतलब थोड़ा सा बना दिया था, वो भी चले गए थे आधी बीच में ही, तो बस थोड़ा सा ही एक क्लिप बना है और उसके बाद आप लोग उससे बैठ के बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो सबसे पहले आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान शिव आप सभी की सारी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करें। और आज का जो आप लोगों ने व्लॉग देखा है वो परसों का व्लॉग था, सैटरडे का, गुरु पूर्णिमा वाले दिन का है। और उस दिन मैंने क्योंकि कन्या वगैरह खिलाई थी घर पे पूर्णिमा को, और उसके बाद फिर मैं वीडियो एंड भी नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि कन्या वगैरह खिलाई दोपहर हो गई थी, फिर शाम के काम में लग गई, वीडियो एंड करने का टाइम ही नहीं मिल पाया और कल भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने कहा चलो आज अपनी वीडियो को एंड करूं। और एक्चुअली कुछ दिन से क्या हो रहा है ना, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी कुछ टाइम से कम एक हफ्ता मान लीजिए, तो मेरे मतलब जो व्लॉग है वो भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, कभी कुछ वीडियो बना लेती हूँ, कुछ नहीं बना पाती हूँ, ऐसा ही चल रहा है काम। और मेरे घर सच में इतना फैल गया है इन दिनों क्योंकि बारिश का मौसम है और तबीयत भी ठीक नहीं थी, मन भी नहीं किया, और पूरे घर में पता है कपड़े वपड़े मतलब बहुत ज्यादा अभी फैला हुआ है, तो काम भी बहुत सारा है घर में अभी करने के लिए। आज थोड़ा सा ठीक अच्छा फील कर रही हूँ, दो दिन से थोड़ा बेटर है तबीयत, फीवर वगैरह हो जाता है ना, थोड़ा वीकनेस भी आ जाती है, फिर काम में मन नहीं लगता, बहुत सारी आप सभी जानते हैं सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है तबीयत वगैरह सबकी, ऑलमोस्ट ये सीजन ही ऐसा चल रहा है ना यहाँ पे कि हर किसी के घर में फीवर सर्दी जुकाम ये यहाँ पे वायरल एक चला ही हुआ है, सब जगह हो रहा है यहाँ पे, तो अभी तो फिलहाल ठीक है। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। मतलब कुछ लोग हैं जो वीडियो देख नहीं रहे हैं, काफी सारे लोग हैं, या तो फिर बेल बटन प्रेस नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं वीडियो के, तो चेक करिए आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो जल्दी से बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए और प्लीज वीडियो को देखिए। जिनके पास भी जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो वीडियो को देखते जाइए आप लोग, और क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है तबीयत खराब है, जितना जो भी हो पाता है वैसे ही वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और फिलहाल यहाँ से मैं मुंबई भी जाने वाली हूँ कुछ दिन बाद, मतलब 4-5 दिन, मतलब नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ जो है मुंबई वाली वीडियोज जो है मैं आज शेयर करूंगी, तो काफी अच्छी आएंगी, आप लोग मेरी फैमिली से भी मिलेंगे अभी सबसे ज्यादा, मतलब मिले तो हैं पहले भी लेकिन अब और अच्छी तरीके से आप लोग मिल पाएंगे आने वाली वीडियोस में, तो देखते रहिएगा। और आज का व्लॉग फिलहाल यहीं पे स्टॉप भी कर रही हूँ मैं, तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो लोग न्यू हैं पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। और अब मैं आप लोगों से फिलहाल मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।